अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आलम। आज मेरे पास एक फ़ोन आया है, ओप्पो A15। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका ऑफ ऑन स्विच काम वर्क नहीं कर रहा है। ऑफ ऑन स्विच कैसे पता चलेगा, मैं चार्ज में लगा के फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए लाइट आ चुका है, इसमें ऑफ ऑन स्विच इसका वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए बहुत आसानी के साथ आप जो है ऑन ऑफ स्विच बना सकते हैं, किसी भी मॉडल का हो। सिर्फ ये अभी ओप्पो का फ़ोन है मेरे पास, किसी भी फ़ोन का जैसे ऑफ ऑन स्विच ख़राब हो जाता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना है, बहुत आराम से पहले इसके पीछे जो लगे रहते हैं इसको मैं तो निकाल चुका हूँ, आप इसको बहुत आराम से ऐसे पूरा एक करके निकाल देना है, जैसे इसका कवर निकल जाएगा। फिर इसमें नट लगे रहते हैं, जैसे मैंने निकाल लिए हैं नट, ये नट रखे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ये वाला पीछे वाला पैनल निकालना है, इसका पैनल भी निकल जाएगा। और बड़े फ़ोन होते हैं ये, थोड़े आराम से ही काम करना है। मान लीजिए अगर जल्दीबाजी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो लेने का देनी पड़ सकता है, इसलिए मैं किसी सॉफ्ट चीज़ का यूज़ करूँगा। जैसे मेरे पास सिम कटर है, ये इससे मैं निकालूँगा, ये मैं निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाल लिए इसके कवर, और अब मैं आपको बताता हूँ, ये ऑफ ऑन स्विच है, ये वाले स्विच ख़राब हो चुके हैं। तो मैं पहले टेस्ट करके देख लूँगा कौन कौन से स्विच ख़राब हुए हैं। नीचे वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं, ये इस ये ऑफ ऑन स्विच है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको क्या करना है, जैसे आयरन लेना है, आयरन लेने के बाद स्विच को निकाल देना है यहाँ से, ऐसे करके, ऐसे 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 करके स्विच निकल जाएगा आराम से। इस स्विच को निकाल देना है, एक दोस्तों, स्विच प्यार से ही निकालना है, कहीं इसके प्रिंट अगर उड़ गए तो और दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप बहुत ही आराम से ही काम करेंगे। ये निकल चुके हैं हमारे, तो इसमें क्या करना है, इसमें हल्का पेस्ट लगा के इसको रिवॉल्व करना है बहुत आराम से, जो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ऐसे आराम से प्रिंट, चारों प्रिंट को रिवॉल्व कर देना है। इसमें चार प्रिंट है, कुछ फ़ोनों में जैसे दो प्रिंट आते हैं, तो दो प्रिंट वाले तो जो आते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे मार्केट में आ जाते हैं दो प्रिंट वाले, चार प्रिंट वाले, छोटे छोटे टिकली नाम से बुलाते हैं इसको। इसको एक मैं निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास चार टांग वाले तो अवेलेबल नहीं हैं, मेरे पास ये दो ही टांग वाले हैं। तो मैं कैसे इसे बनाऊं, मैं इसे एक जम्पर कर लेता हूँ, एक जम्पर कर लेता हूँ मैं, फिर मैं दोनों साइड में जम्पर करके आराम से फिर इसमें बैठा दूँगा।
आप देख सकते हैं बहुत आराम से लगा सकते हैं इसको। ये मैं जम्पर हो चुका है मेरा, एक और लगानी है साइड में। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है मेरे दोस्तों, अब ऐसे छोटे मोटे काम अपने घर में भी कर सकते हैं, ऐसे शॉप में डालने की ज़रूरत नहीं है। इन मामूली चीज़ों को आप एक आयरन लेकर के, आयरन के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा झमेला नहीं है इसमें। कह के ऑफ ऑन स्विच बनाने का मैंने देखा है, कई जगह शॉप पे डालते हैं तो ये 200-250 रुपये ले लेते हैं। तो आप बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हैं, 50-60 रुपये का एक आयरन ले लेना है, आयरन लेके अपने घर में भी बना सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, ये जंपर हो चुका है मेरा। अब मैं सिंपल सा इसे इसके माइनस प्लस वाले पॉइंट को ही बजर मोड में रख करके ना, एक कहीं भी ग्राउंड कर देना है माइनस वाले को, प्लस वाले को लेकर के इसमें रीड करना है। जैसे ये हमारे माइनस वाले पॉइंट हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो मैं किसी में भी जंपर कर दूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इधर इसमें कोई माइनस प्लस होता नहीं ऑफ ऑन स्विच में, आप किसी को भी किसी में भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं इसमें सोल्ड कर दूंगा एक, दोस्तों इसमें और एक मैं कर दूंगा इसमें, इसमें जोड़ दूंगा मैं माइनस वाले। ठीक है, ये हमारे दोनों तार जुड़ चुके हैं, ये हमारा ऑफ ऑन स्विच बन चुका है। जैसे इसको ऐसे दबाते हैं, लाइट देखिए, ये मेरा वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। अब इसको सिंपल सा यहाँ पे बैठा देना है, इसको यूं करके एक सिंपल सा दोस्तों ऐसे करके ऐसे बैठा देना है। इसको ऐसे बैठा के एक कोई सा भी टेप लेना है। और एक चीज़ और देखनी है दोस्तों, ये आपस में शॉर्ट ना हो, इसको इस हिसाब से रखना है कि आपस में शॉर्ट ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा टुकड़ा लूँगा, एक पन्नी का कोई सा टुकड़ा लूँगा, मैं इसमें रख दूँगा। ठीक है दोस्तों, और इसको रखने के बाद, इसको रखने के बाद मैं इसको
टेप के माध्यम से चिपका दूंगा। बहुत ही सिंपल है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, आप खुद से भी बना सकते हैं। एक आपको सिर्फ एक आयरन और पेस्ट सोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसको ऐसे घूम कर दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, मेरा ये बन चुका है, देख रहे हैं वर्क कर रहा है। इसके बाद आपको कवर लगा देनी है। धन्यवाद दोस्तों।